Hey guys, this is Yom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें होने वाला है टेक्ला स्ट्रक्चर्स, और टेक्ला स्ट्रक्चर्स में भी हम लोग सीखेंगे बेस प्लेट के बारे में। तो ले चलता हूँ मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर, और पहले दिखाता हूँ कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या कवर कर लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेक्ला स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन के साथ, फिर हम लोगों ने इसे इंस्टॉल करना सीखा, फिर इसकी इन्वायरमेंट्स को डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया, उसके बाद ग्रिड लाइंस के बारे में सीखा, मेजर टूल एंड वर्क एरिया। देन हम लोगों ने समझा कि टेक्ला स्ट्रक्चर्स का जो यूजर इंटरफेस है वो किस तरीके से काम करते हैं। देन हम लोगों ने यहाँ पे मॉडलिंग किया कॉलम एंड बीम्स का। आफ्टर दैट हम लोगों ने बनाया राफ्टर्स एंड ब्रेसिंग्स को टेक्ला स्ट्रक्चर्स। ओके, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेस प्लेट के बारे में जानने वाले हैं। तो बेसिकली बेस प्लेट क्या होता है कि हम लोग का जो कॉलम होता है वो रहेगा तो फाउंडेशन पे, तो डायरेक्टली तो अगर उसको हम लोग जमीन पे रख देते हैं तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा चांस है कि वहां पे सेटलमेंट हो जाए। तो वो सेटलमेंट ना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, नीचे एक फुटिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंटेड जो कॉलम्स है वो हमेशा सेटल होने के चांसेस रहते हैं उसके। तो वहां पे फुटिंग बनाएंगे, और फुटिंग को जो कॉलम से जोड़ेगा यानी कि कॉन्क्रीट फुटिंग होगा, उसको स्टील कॉलम से जोड़ने का काम करते हैं बेस प्लेट। तो इसी के लिए हम लोग बेस प्लेट बनाते हैं, और बेस प्लेट बनाने का तरीका काफी आसान है क्योंकि टेक्ला स्ट्रक्चर जो है वो स्टील लिटरिंग में काफी एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है, एंड यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एडवांस एप्लीकेशंस अवेलेबल है। तो एप्लीकेशंस एंड कंपोनेंट्स के बारे में भी आज के ही सेशन में पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग के स्क्रीन पे आएंगे, और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो है ये हमारा एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट्स का टैब है। इस पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारे अनग्रुप्ड आइटम्स का भी दिखेगा कि ये सारे आइटम्स अनग्रुप्ड है। उसके बाद एप्लीकेशन एंड टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां से आपको एप्लीकेशन एंड टूल्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन एंड टूल्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इन सबको एक एक करके भी सर्च किया जा सकता है। देन आपको कुछ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना हो किसी टूल टूल के जरिए, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मल्टी रिपोर्ट जनरेटर है, हमारे पास पॉइंट क्रिएशन है, टेक्ला पावर फाइव है, देन हमारे पास प्रोफाइल क्रॉस सेक्शन है, DWG प्रोफाइल टू लाइब्रेरी, ये सारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन हो जाता है। फिर मल्टी कन्वर्टर हमारे पास है, उसके बाद मल्टी कन्वर्टर बोलेंगे या मल्टी कन्वर्टर दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किसी वीडियो के अपने कमेंट में देखा था कि मैं सिस्मिक जोन बोलता हूँ, तो ये मेरा लिंगो है कि मैं जोन बोलता हूँ, होता जोन। तो वैसे मैं आप बातों पे इससे ज्यादा उसके काम पे ध्यान दीजिए। लेकिन आप जैसे ही स्टील में जाते हो तो वहां पे क्या हो जाता है कि स्टील में आपके पास एक बेस प्लेट का ऑप्शन आ जाता है, एंड यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बेस प्लेट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस तरीके से एक बता दिया कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग एक्सटेंशन को ढूंढ सकते हैं, और तो उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन कंपोनेंट पर जाएंगे, स्टील पे काम कर रहे हैं क्योंकि मैंने स्टील डिटेल का जो प्रोफाइल यूज किया है, तो यहाँ पे कॉन्क्रीट वाला उतना कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने चूज किया है बेस प्लेट को, तो इसे बेस प्लेट है। उसी तरीके से आपके पास बेस स्लैब, ब्रेसिंग एंड गसेट्स, क्लिप एंगल्स, डिटेल डक्टिस एंड प्लेट वर्क्स, एंड प्लेट्स, एंड बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सारे ऑप्शंस का यूज करके आप अपना इजीली काम कर सकते हो। अभी जो हम लोग के पास काम है बेस प्लेट का, वो है हमारे पास बेस प्लेट 1042 का। तो यहाँ से मैं 1042 को चूज कर लेता हूँ, जैसे ही इसको मैं कहीं पे लगाना चाहूंगा तो वो आराम से लग जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं, और प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए मैंने इस पर सिंपली डबल क्लिक किया। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो इसका एक बेस प्लेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहां पे जाके हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस प्लेट को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को बेस प्लेट के पार्ट्स में जाना है, और बेसिकली आप यहाँ पे भी चेंजेस अपने लिख सकते हो, लेकिन हम लोग जो मेजर चेंजेस करते हैं वो पार्ट्स में करते हैं। एंड यहाँ पे पार्ट्स का जो टैब है इसमें हम लोग पहले बेस प्लेट की थिकनेस को प्रोवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायग्राम के थ्रू काफी कन्वीनियंटली बताया गया है कि ये टी क्या है, बी क्या है और एच क्या है। तो बेसिकली टी मतलब यहाँ पे थिकनेस है, और यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो वर्टिकल सेक्शन ले लिया गया है बेस प्लेट का, और यहाँ पे थिकनेस को प्लॉट किया गया है। तो फिलहाल सारे जो यूनिट्स है वो एमएम में होने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बेस प्लेट का थिकनेस जो है 25 mm प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। उसी तरीके से हमारे पास बेस प्लेट का जो विड्थ होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेब है 3 फ्लैंज, हाथ फ्लैंज जो है वो हमारे पास कितना हो जा रहा है, विड्थ जो है वो हो जाएगा हमारे पास 250 का। तो यहाँ पे मैं 250 का विड्थ यूज कर ले रहा हूँ, एंड उसके बाद जो ये हाइट है जो कि इस वेब का हाइट है, तो वो हम लोग करेंगे 450 का, ठीक है। तो ये हम लोग अपने बीम के अकॉर्डिंग चुनते हैं कि कौन से, सॉरी कॉलम के अकॉर्डिंग चुनते हैं कि कौन से कॉलम का क्या साइज है। उसके बाद पोजीशन नंबर में हम लोग इसको क्या कर देंगे, बेस प्लेट है तो उस पर एक एक्रोनिम नेम दे देते हैं बीम, बेस प्लेट।
उसके बाद नंबर में हम लोग इसको 1 से स्टार्ट करवा देते हैं। जो भी आप यहाँ पे नंबर डालोगे वहां से वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें जाके यहाँ पे आप अलग अलग मटेरियल्स को चूज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे कि बाकी का मेरा पूरा मॉडल एससी जूनियर पे जी आर पे है, ओके सॉरी। उसके बाद आप फिनिश में देना चाहते हो कुछ नाम तो आप दे सकते हो, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारे पास इतनी ही चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने बस इतने को चूज किया, ठीक है। तो आप यहाँ से इसका नेम एंड फिनिश वगैरह भी लिख सकते हो अगर चाहो तो, नहीं चाहो तो आप इसको सिंपली अनचेक करके छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ओके। देन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे चेंजेस करने हैं वो करने हैं हमारे बोल्ट। तो बोल्ट में जाने के बाद हम लोग को बोल्ट टू बोल्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जाता है कि कहाँ पे कौन सा आइटम जो है वो यूज होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 2 वोल्ट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, 2 वोल्ट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये दोनों आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसके बाद आप वोल्ट से एंड प्लेट का भी लाइक डिस्टेंस जो है मॉडिफाई कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग जो चेंज करेंगे वो होगा हमारा इन दोनों बोल्ट के बीच का डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं 150 का। एंड देन आ जाता है हम लोग के पास ये डिस्टेंस, तो इसको हम लोग करेंगे 200, यानी कि दोनों बोल्ट का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 200 का हो जाएगा हमारा, ओके। अभी हम लोग बाकी सारी चीजों को अनचेक्ड छोड़ सकते हैं, और हाँ टॉलरेंस जो है टॉलरेंस हम लोग कर सकते हैं 6%, ओके। तो यहाँ पे टॉलरेंस में 6 कर देता हूँ, ओके। बाकी तो यहाँ पे और भी और कुछ नहीं है जो हम लोग को इंटर करना है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। हालांकि आप प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अपने हर एक चीज को यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि बोल्ट के साइज से लेके आपका बोल्ट का स्टैंडर्ड हो गया, टॉलरेंस हो गया, थ्रेड इन मैट है आपका कितना थ्रेडेड है नहीं है, उसके बाद इन साइट है या फिर वर्कशॉप है। साइट का मतलब होता है कि जो आपके साइट पे बनाया जाता है, वर्कशॉप का मतलब होता है कि ये बाई डिफॉल्ट वो बन के आता है एंड आपको बस वहाँ पे उसको असेंबल करना होता है, ओके। देन आ जाता है कि होल टाइप किस तरीके का है, स्लॉटेड होल है, ओवरसाइज होल है, होल है ही नहीं होल या फिर टैप्ड है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इसमें बहुत ही ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है एंड ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है, तो काफी कंट्रोल में रहता है ये हमारे सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप देख सकते हो कि हर एक पर्टिकुलर पोर्शन का आप थिकनेस वगैरह जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो बाई डिफॉल्ट जो नॉर्मली लिया है वो वाला ऑप्शन यहाँ पे ये चूज कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बोर्ड का अरेंजमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है, ये सब अरेंजमेंट ही फॉलो कर सकते हो, यहाँ से चूज कर सकते हो। हम लोग के पास जो डिफॉल्ट अरेंजमेंट है हम लोग उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोल्ट को कर दिया है एंड पार्ट्स को चेंज कर दिया है। इन दोनों को चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपनी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोगों ने चेंज की है, इसमें आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड्स हैं, आउटर डिजाइन है, ऐसा बहुत कुछ है। तो हम लोग इसको एक नेम दे देते हैं एंड नेम क्या देंगे हम लोग ये बी पी आई पी ई कर देते हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग बी पी ई अंडर स्कोर आई पी ई ये हम लोग इसको नेम दे देते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में मुझे ये चाहिए हो तो मैं इसको यूज कर सकूँ। तो आप देख सकते हो कि इसका नेम चेंज होकर यहाँ पे बी पी आई पी ई आ गया, ओके। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने बाकी पोर्शन पे भी नेम को चेंज किया था अपने कॉलम और रैप्टर्स, ओके। तो अभी हम लोग कर देंगे इसको लोड एंड सेव, उसके बाद इसको कर देते हैं अप्लाई, ओके। अभी हम लोग को बेस प्लेट लगाना है, तो बेस प्लेट कहाँ लगेगा, हमेशा ये बॉटम पे लगेगा, तो कहाँ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे लगेगा, बिल्कुल नहीं, ये कॉलम के एंड में लगेगा। जब भी बेस प्लेट लगेगा तो कहाँ लगेगा, कॉलम के एंड में लगेगा। तो यहाँ पे आपको पहले तो आप इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद वो एंड पॉइंट सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप बेस प्लेट को अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप बेस प्लेट को इजिली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि आप बेस प्लेट में आपके पास एंकर रॉड्स भी है, तो अगर आप एंकर रॉड्स को इसी तरीके से रखना चाहते हो तो दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास जो एंकर रॉड का ऑप्शन आता है, यहाँ से चाहे तो आप एंकर रॉड्स को चूज करें, जैसे बेस प्लेट विथ एंकर रॉड का ऑप्शन है, आप यहाँ से बेस प्लेट भी जा सकते हो या फिर इसको डिफॉल्ट करके भी अप्लाई एंड ओके कर सकते हो। हमने इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि आपको ये जो ड्रॉइंग है यहाँ पे क्लियरली चेंज होता हुआ चीजों को दिखे। जैसे कि अप्लाई किया, मॉडिफाई मॉडिफाई किया, तो ये मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप इसको अप्लाई एंड ओके कर सकते हो। अगर आप बेस प्लेट में अपने एंकर रॉड्स को रखना चाहते हो तो आप एंकर रॉड्स को रख भी सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपको एंकर रॉड को सिलेक्ट करके क्या कर लेना है, मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक ऑन मॉडिफाई, यहाँ पे एंकर रॉड्स लग जाएंगे। यही एंकर रॉड्स जो होते हैं वो हमारे कॉन्क्रीट के फाउंडेशन में या फुटिंग में गए हुए रहते हैं, जिससे कि इसको सपोर्ट मिलता है। तो बेस प्लेट क्या करता है, कॉलम और हमारे कॉन्क्रीट फुटिंग का जंक्शन होता है।
एंकर रॉड की अगर आप प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हो तो वो सारी प्रॉपर्टी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब सपोज आपने यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है, तो हम लोग बेस प्लेट के सेम प्रॉपर्टी को यहाँ भी यूज करना चाहते हैं, तो अगेन बेस प्लेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आके पहले अपने कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद उसके एंड पॉइंट को सिलेक्ट कर देंगे एंड दैट इज ओके। यहाँ से बाहर आ जाते हैं तो हमारा बेस प्लेट जो है यहाँ पे लग गया। अगर बेस प्लेट की प्रॉपर्टी वगैरह को चेंज करना चाहते हो तो डबल क्लिक यहाँ करेंगे, ठीक है, और यहाँ से जाके आप बेस प्लेट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, सपोज आपको कौन सा करना था, बीपी आईपीई करना था, तो इसको हम लोग लोड कर लेंगे एंड आप देख सकते हो कि अभी हमारे पार्ट्स में जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो गई। एंकर रॉड में हमने एंकर रॉड को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद बोल्ट में भी जो स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने दिए थे वो स्पेसिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ओके जस्ट वन मोर, आई थिंक इसको मॉडिफाई मैंने नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मॉडिफाई लाइक। ओके तो आप देख सकते हो कि बीपी आईपी में जो हम लोग के एंकर रॉड्स हैं वहां पे मैंने आईएस इसको डिफॉल्ट बनाने के बाद सेव कर लिया था, तो यहाँ पे एंकर रॉड देंगे और फिर इसको कर देंगे। अभी इसको लोड कर देते हैं और उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज को भी चेक कर लेते हैं, तो हमारा बाकी कोई प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो गया, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी चेंज हुआ है। अभी इसको मॉडिफाई अप्लाई ओके करेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होकर आ गई है। ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला बेस प्लेट यहाँ पे लगा लिया है। आप बेस प्लेट को देखना चाहोगे तो आराम से देख सकते हो। इसके अगर आप अलग अलग व्यूज को देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस जो ग्रीन मार्क है उसको सिलेक्ट कर देना, ठीक है, तो आपका प्रॉपर्टी ओपन हो जाता है एंड आप व्यू लिस्ट से जाके भी अलग अलग व्यू जो है उसके देख सकते हैं। ओके तो आपको इसके हिसाब से व्यू को क्रिएट करना होगा। क्रिएट व्यू, डिफॉल्ट व्यू जो आपका कंपोनेंट्स पे जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली इसके जितने भी डिफॉल्ट व्यूज हैं वो आ जाए एंड कंपोनेंट का अलग अलग व्यू को आपको देखना है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कैस्केड में जाके देख सकते हैं या फिर आप इस व्यू लिस्ट से डाइट हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने व्यू हमारे ओपन है वो सारे के सारे व्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके तो इसमें से दो व्यू को क्लोज कर लेते हैं एंड अगेन कर लेते हैं डाइट हॉरिजॉन्टली। आप देख सकते हो कि अलग अलग एंगल से ये बेस प्लेट हमारा इस तरीके का दिख। ओके तो आप इस तरीके से अलग अलग व्यू क्रिएट करके चेंजेस कर सकते हो एंड बाद में अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हो तो आपको वो चेंजेस यहाँ पे प्रैक्टिकली विजिबल होगा। सपोज आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और अभी हम लोग चलते हैं अपने प्लेट के थिकनेस को चेंज करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे 25 है तो प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन विजुअलाइजेशन में हम लोग के लिए अच्छा होगा, इसलिए इन दोनों सेक्शन को हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। ओके तो 100 यहाँ पे कर दिया मैंने, इसको कर दिया अप्लाई, यहाँ पे अप्लाई करने के बाद चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, यहाँ मॉडिफाई किया तो यहाँ पे चेंजेस हो गए। ओके ये प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए अभी हम लोग इसको 25 करके मॉडिफाई कर देते हैं वापस से। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लाइक विड्थ की यानी कि इस सेक्शन को हम लोग चेंज करें, ठीक है, 250 की जगह हम लोग क्या कर देते हैं 550 कर देते हैं एंड मॉडिफाई। अभी आप देख सकते हो कि विड्थ जो है वो काफी इंक्रीज हो गया है, तो ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप इस सेक्शन में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी चेंज होते देखने को मिलेगा, यहाँ पे चेंज नहीं देखने को मिला क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई चेंज विजिबल नहीं था। ओके अब इसको कर देते हैं वापस से 250। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आने के बाद चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के बेसिस। उसके बाद आ जाता है कि बोल्ट्स, बोल्ट्स में चलते हैं और यहाँ पे जो आप देख सकते हो बोल्ट्स का जो वर्टिकल डिस्टेंस है और वो कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये हमारे पास 200 का है। सपोज आप यहाँ पे कितना कर देते हो, 100 का कर देते, ठीक है, एंड मॉडिफाई, तो आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस जो है वो कम हो गया है, इसको 150 की जगह 300 का कर देते हैं एंड मॉडिफाई, तो ये प्लेट से बाहर ही चला गया है, ठीक है, 150 की जगह 75 कर देते हैं। ओके तो इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं, तो आपको ये सारे चेंजेस ऑब्जर्व करने में काफी इजी रहेगा जब आप कंपोनेंट्स के साथ काम कर रहे हो। ओके तो ये 115 था और ये हमारा कितना था, 200 था। ओके तो मैं इसको जो एक्चुअली मेरे ड्राइंग में है उस हिसाब से मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँ। ओके आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सब कुछ बेस प्लेट से रिलेटेड।
अभी हम लोग क्या कर देते हैं, अपने कॉलम के बाकी पोर्शंस पे भी चले जाते तो यहाँ पे अपना व्यू ओपन कर लेते हैं। लिस्ट, और यहाँ से अपना कौन सा था, 3D व्यू, 3D व्यू को ओपन कर ले, क्लोज कर देते हैं। एंड बाकी जो ये सारे व्यूज है इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं, कोई बात इसकी जरूरत अभी फिलहाल के लिए नहीं। ओके देन आ जाते हैं हमारे 3D। यहाँ पे हम लोगों ने दो जगह पे बेस प्लेट लगा दिया है। तो बेसिकली ये कॉलम हमारा क्या था, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को देखना चाहें तो ये जो कॉलम था हमारा वो था IPE 400। ओके एंड ये जो कॉलम हमारा वो है HEA 260 का। तो डेफिनेटली है कि ये सेम बेस प्लेट तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। ओके तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा बेस प्लेट अप्लाई करेंगे। ओके अब दूसरा बेस प्लेट अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बेस प्लेट को खोजते हैं। तो बेस प्लेट को एक तरीका तो क्या है कि एप्लीकेशन कंपोनेंट में जाते हैं, स्टील को एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे बेस प्लेट हो जाता है हम लोग को। बेस प्लेट का कौन सा नंबर करना है, 104 यूज। उसी तरीके से एक और तरीका है बेस प्लेट को खोजने का, अगर आप नंबर को डायरेक्टली जानते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे, ये जो न्यूमरिक वैल्यू है उसके हिसाब से भी हम लोग कोई भी कंपोनेंट यहाँ से ढूंढ सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप नंबर्स को याद रखते हो। जस्ट मोमेंट, ओके या तो आप इस तरीके से याद रख लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर नहीं नंबर याद है, सपोज आप नंबर भूल गए हैं या फिर आप नए नए हैं, तो आप बेस प्लेट यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है तो आपको अलग अलग बेस प्लेट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सबके अलग अलग नंबर है, सबका अलग अलग टाइप है, आपको यहाँ से टाइप देख के भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग जो अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं वो 104 का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे 104 को ले रहे हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी को पहले मॉडिफाई, तो स्टैंडर्ड में ही रहते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। ओके तो यहाँ जो है, क्योंकि हमारा क्या था, ये कॉलम अगर देखा जाए, ये कॉलम की बात की जाए तो ये था हमारा HEA 260 का, तो इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पे हम लोग बेस प्लेट भी थोड़ा सा बड़ा यूज करें। ओके तो एप्लीकेशन में जाते हैं, बेस प्लेट में से 104 को सर्च करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं एंड यहाँ से जो हमारा बेस प्लेट ओपन करके आता है उसके पार्ट्स में जाएंगे, पहले यहाँ पे सब कुछ चेंज कर लेंगे। तो 25 तो ठीक है, ये हमारा 250 की जगह कितना हो जाएगा, 550। और उसके बाद हम लोग का जो हाइट है वो भी हो जाएगा हमारे पास 550 का। इसके बाद इसको भी VP1 वगैरह जो भी है ये सब रहने देते हैं, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। बोल्ट्स में जो डिस्टेंसेज है वो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है 200 की जगह हो जाएगा 400 का, एंड देन आ जाता है 350 का डिस्टेंस इस डायरेक्शन 350। ओके तो अगर आप इसको कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो वो IPA करके 100। ओके उसके बाद मॉडिफाई अप्लाई। ओके अभी हम लोग इसके बॉटम पे देखें, यहाँ पे आते हैं बॉटम पे क्लिक कर देते हैं। पहले तो अपने कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को क्या करना था, इसके बॉटम पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो भी वो एंड पोर्शन को सिलेक्ट कर लेगा। अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये बेस प्लेट जो है वो थोड़ा सा अलग है हमारे इस बेस प्लेट से। ओके इसका साइज अलग है। अभी अगर इसके साइज को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे आके पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है बोल्ट्स का ही पैरामीटर चेक कर लेते हैं एंड बाकी यहाँ पे आप जनरल में एंकर रॉड्स लगाए ना लगाए, फिलहाल के लिए मैंने लगाया है क्योंकि प्रैक्टिकली लगता है। ये जो साइन दिख रहा है आपको ना इस तरीके से ब्लू कलर का, वो हमारा वेल्ड का साइन, यहाँ पे वेल्डिंग। ओके तो बोल्ट का साइन तो आपको पता ही है, आपको वेल्ड का साइन भी अभी पता चल। उसके बाद मैं आपको जो लास्ट तरीका है उसे यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। मेरा जो है 104 नाम का
आइकन है ना, उसको हम लोग चूज करेंगे। पहले हम लोग कॉलम को चूज कर लेंगे, इसके बाद बेस प्लेट के एंड प्लेट को चूज कर लेंगे। यहाँ पे मेरा बेस प्लेट जो है वो बन के रेडी हो गया। उसी तरीके से इस कॉलम को चूज करेंगे, इसका भी एंड पॉइंट चूज कर लेंगे। एंड देन आ गया हमारा कॉलम, उसका एंड पॉइंट, कॉलम एंड देन एंड पॉइंट। मिड पॉइंट करके सर्च में आ रहा है, लेकिन वो मिड पॉइंट नहीं है, एक्चुअली एंड पॉइंट भी सेम प्लेस पे। ठीक है, अगर आप इधर से एंड पॉइंट पे भी क्लिक करोगे तो भी उसी तरीके से ये लगेगा। ओके, तो आप जैसे जैसे सॉफ्टवेयर में काम करते जाओगे आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया होते जाएगा कि सॉफ्टवेयर में सारी चीजें किस तरीके से काम कर। आई होप आपको ये जो पोर्शन है बेस प्लेट का वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए। ठीक है, एंड मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी एक वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कितना स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है टेक्ला स्ट्रक्चर से रिलेटेड या बिल्डिंग प्लानिंग या फिर स्ट्रक्चर डिजाइन से रिलेटेड, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी होगा। यहाँ पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोर्सेज के डिटेल ले सकते हैं। अगर आप घर बनवाना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी की हेल्प भी आपके लिए आती है। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।